दोस्तों मुझे पिछले 2-4 दिन से काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर हमारे जो YouTube का वीडियो मैनेजर है वो काम नहीं कर रहा है, हम ना ही वीडियो को एडिट कर पा रहे हैं, ना ही हम वीडियो में एंड स्क्रीन लगा पा रहे हैं और ना ही वीडियो में प्रीमियर सेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप जो आपका वीडियो मैनेजर है YouTube का वो कैसे आप पहले की तरह यूज़ कर सकते हैं और पहले की तरह कैसे सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अपना हाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूँ विमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ कि लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो दोस्तों जैसे ही कोई गूगल क्रोम में गूगल ब्राउज़र में अपना यूट्यूब चैनल ऑन करता है तो वो माय चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो मैनेजर के ऑप्शन पर जाता है। और वीडियो मैनेजर पर वो जैसे ही क्लिक करता है तो यूट्यूब स्टूडियो वीटा जो है वो ऑन हो जाता है। अब ऐसे में पहले क्या होता था कि जैसे ही वीडियो मैनेजर पर हम क्लिक करते हैं तो वीडियो को एडिट करने का ऑप्शन आता था, उसमें एंड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन आता था, वीडियो को एड लगाने का ऑप्शन आता था मोनेटाइज का, एंड उसके बाद प्रीमियर सेट कर सकते थे, टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें लगाने का पहले ऑप्शन आता था। लेकिन अब डायरेक्टली क्या होता है, स्टूडियो वीटा ऑन हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे कि यो वीडियो मैनेजर वो एक्चुअल में गया कहाँ है। तो मेरे भाई वीडियो मैनेजर जो है वो कहीं नहीं गया है, जो यूट्यूब स्टूडियो वीटा है वो एक्चुअली जो वीडियो मैनेजर के बाद पहले आपका क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो जो है वो पहले शो होता था, लेकिन अब YouTube ने क्या किया, इसको अपडेट करके स्टूडियो वीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पहले वीडियो मैनेजर में आप सारी चीज़ें यूज़ करते थे वो सारी की सारी चीज़ें आपको स्टूडियो वीटा में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे ही आप यूट्यूब स्टूडियो वीटा पर क्लिक करते हैं, मतलब वीडियो मैनेजर पर क्लिक करते हैं, तो यूट्यूब स्टूडियो वीटा जो है वो ऑन होता है, तो वो क्या होता है वहाँ पर ब्लैंक पेज शो करता है, तो जिससे काफ़ी लोग जल्दी से स्किप कर लेते हैं और काफ़ी लोगों को 5-5, 10-10 मिनट वेट करने के बाद भी वो ऑप्शन ऑन नहीं होता है तो वो स्किप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप स्टूडियो वीटा में अगर ऑन करोगे वीडियो मैनेजर को तो थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो एंड स्क्रीन वाला प्रॉब्लम है उसमें देखता हूँ मुझे भी प्रॉब्लम आती है, एंड स्क्रीन हम सेट नहीं कर पाते तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शो करता है। तो लोगों को लगता है कि वीडियो मैनेजर गायब हो गया, वीडियो हम वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, एंड स्क्रीन वगैरह लगा नहीं सकते। तो या तो थोड़ा टाइम वेट कीजिए, पहली बात तो ये, अगर आप वेट नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि आपको जो पहले वाला जो वीडियो मैनेजर है, पहले वाला जो क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो वो ज़्यादा बेटर था, उसका इंटरफेस ज़्यादा बेटर था, तो उसके लिए आप एक चीज़ करिए, आप गूगल क्रोम में अपना यूट्यूब चैनल ऑन मत कीजिए, आप अपना जो यूट्यूब चैनल है वो ऑन कीजिए यूसी ब्राउज़र में। तो यूसी ब्राउज़र में आप अपना जो यूट्यूब चैनल है वो अगर ऑन करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो पहले वाला इंटरफेस था, जो पहले वीडियो मैनेजर के बाद क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो ऑन होता था, जिसमें आप वीडियो को एडिट कर सकते थे, एंड स्क्रीन लगा सकते थे, वीडियो एड्स लगा सकते थे, मोनेटाइज प्रीमियर सारी चीज़ें लगा सकते थे, पहले वाला जो इंटरफेस आपका था ना वो सेम टू सेम फीचर, सेम टू सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यूसी ब्राउज़र में। तो आप यूसी ब्राउज़र इंस्टॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक और ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यूसी ब्राउजर से संतुष्ट नहीं रहते, बोले यूसी ब्राउजर चाइना का है तो हम क्यों यूसी ब्राउजर यूज करें। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप यूसी ब्राउजर में अपना जो चैनल ऑन करोगे तो वहां पर जो ऊपर यूआरएल लिंक रहेगा यूट्यूब क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो का, तो वो वाला लिंक कॉपी करके आप क्रोम में डालोगे तो सेम टू सेम आपका जो पहले इंटरफेस ऑन होता था वीडियो मैनेजर वाला एडिट ऑप्शन वाला वो आपका क्रोम में भी इजीली ऑन हो जाएगा। तो सिंपली इन तरीकों से आप अपना जो यूट्यूब वीडियो मैनेजर का प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो और सारी जो प्रॉब्लम अभी तक आपको आ रही थी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपना जो यूट्यूब चैनल है वो क्या करते हो, क्रोम में ऑन करते हो, तो क्रोम में जैसे यूट्यूब चैनल ऑन करते हो तो आपको एकदम ऊपर हेडलाइन लिखी रहती है कि जो आप स्टूडियो वीटा है उसको यूज़ करके खुश है या नहीं, तो वो एक फॉर्म टाइप का खुलता है, तो आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिए ताकि उसमें आप बता दीजिए कि आप जो स्टूडियो वीटा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपका जो पहले वाला क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो वही आपको चाहिए। तो क्या होगा, ज़्यादा लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे ना तो हो सकता है कि YouTube इस पर एक्शन ले और आपका जो पहले वाला इंटरफेस था YouTube क्लासिक स्टूडियो वाला वो वापस आ जाए, तो आप वापस पहले की तरह अच्छे से वीडियो एडिट कर पाए, ना ही आपको ज़्यादा परेशान होना पड़े और ना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें और हो सकता है मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी, अब आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल टेक्निकल प्यार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे Instagram पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी डेली अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। अच्छा दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।